स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल और नेक पेन के बारे में। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारी गेस्ट है मिसेस स्वीटी बाफना। मिसेस स्वीटी बाफना एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट हैं। इनिशियली तो इन्होंने अपने पिताजी जो कि एक एक्सपर्ट थे एक्यूप्रेशर के, उनसे ही ट्रेनिंग ली और उसके बाद इन्होंने जोधपुर के एक्यूप्रेशर इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है। और आज के डेट में बहुत सारे सीरियस पेशेंट्स को भी इन्होंने अपने एक्यूप्रेशर से ठीक किया है। आइए मिलते हैं मिसेस स्वीटी बाफना से और बात करते हैं कि एक्यूप्रेशर के ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम यूज करें सही ढंग से तो हमारे नेक पेन, सर्वाइकल और फ्रोजन शोल्डर से हम रिलीफ पा सकते हैं। स्वीटी जी बहुत बहुत नमस्ते। रचना जी आपने अपना समय निकाला और हमारे प्रोग्राम के लिए आप आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वीटी जी, नेक पेन, फ्रोजन शोल्डर और सर्वाइकल, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है ना जो कि बहुत ज्यादा देखी जा रही है आजकल, तो ये क्यों हो जाता है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये तो आपने सही बोला रचना जी कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ही बढ़ रही है। बिकॉज मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पे सारा दिन आजकल हम लोग बैठे रहते हैं, इसके लिए हमें नेक पेन हो जाता है। नेक पेन के साथ साथ हमें फ्रोजन शोल्डर और सर्वाइकल की भी तकलीफ बढ़ जाती है। पर अगर हम फर्स्ट स्टेज देखें तो शुरुआत हमें नेक पेन से होती है। नेक पेन होने का सबसे मेन रीजन क्या है? तो हमारी नेक की मूवमेंट अगर अच्छे तरीके से नहीं हो रही है तो हमें नेक पेन की तकलीफ शुरू हो जाती है। बहुत लोगों को जब रात को सोकर सुबह उठते हैं तो नेक में भारीपन लगता है। ये नेक के भारीपन को दूर करने के लिए मैं आज एक्यूप्रेशर का सबसे आसान सरल तरीका बता रही हूँ। हमारा जो थंब रहता है वो थंब को हमें इस तरीके से पकड़ना है और बस हम लोग जिस तरीके से की घुमाते हैं बस उसे जोर से की तरफ लेफ्ट साइड स्लोली छोड़ना है, राइट साइड वापिस इसे स्लोली छोड़ना है। हमें अगर राइट साइड में दर्द होगा तो जब हम थंब को राइट साइड में करेंगे तो हमें यहाँ पे भी दर्द महसूस होगा। हमें लेफ्ट साइड में अगर नेक में पेन है तो हम ये लेफ्ट साइड में करेंगे तो भी हमें दर्द महसूस होगा। और हमें ये तब तक करना है जब तक हमें रिलीफ नहीं मिल जाता या नेक का भारीपन कम नहीं हो जाता है। इसके साथ साथ करस्पॉन्डेंट के हिसाब से नेक का हिस्सा ये रहता है और इस जगह हम अगर ऑयल से मसाज करते हैं इस तरीके से और उसके बाद कोई भी चीज से, सपोज आपके पास पेन अवेलेबल है तो पेन के पीछे से हिस्से से अगर हम यहाँ पे ऑयल प्रेस करते या फिर मसाज करते तो भी हमें नेक पेन से राहत मिल सकती है। इसके साथ साथ इस जगह पे आप लोग सीट थेरेपी भी यूज कर सकते हो। सिर थेरेपी किस तरीके से करना है? ये है पेपर टेप जो हर मेडिकल शॉप पे अवेलेबल रहता है। इस तरीके से आपको मेथी दाना की स्ट्रिप्स बनानी है और उस जगह पे रात को सोते वक्त उसे लगा के सोना है। ये जो सीड्स रहते हैं इनकी एनर्जी हमें रात से लेके सुबह तक पूरे पॉइंट्स पे मिल जाती है। सीड्स में एनर्जी रहती है, इसके लिए एनर्जी वापिस रीयूज नहीं कर सकते, इसलिए इसे निकाल के डस्टबिन में डाल देना है। रात को सोते हुए आपको फ्रेश पट्टी बनानी है इस तरीके से और वही लगानी है। उसके साथ साथ एक चीज का ध्यान रखना है कि हम ये लगाने के बाद हमारा हाथ पानी में ना जाए, बिकॉज पानी और सिर एक साथ आने की वजह से सिर फूल जाते हैं और वो स्किन तकलीफ दे सकते हैं इसके लिए। उसके साथ साथ सिर्फ एक चीज और बताना चाहूंगी कि आजकल जब हम लगातार कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे बैठे रहते हैं तभी भी हमें बहुत तकलीफ होती है नेक की। ऐसे में अगर दो दो घंटे में हम इस जगह इस तरीके से अगर मसाज करते हैं तो भी हम नेक पेन से या आगे होने वाले फ्रोजन शोल्डर से बच सकते हैं। उसके साथ एक्यूप्रेशर में सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये जो आता है फर्स्ट फिंगर और थंब के एग्जैक्ट बीच वाला पॉइंट, इसे एक्यूप्रेशर में अलाई फोर के नाम से पहचाना जाता है। इसको आपको थंब की सहायता से हल्के हाथों से इस तरीके से प्रेस करना है। अगर प्रेस नहीं हो रहा है तो आप इस तरीके से मसाज भी कर सकते हो। इसके साथ साथ एग्जैक्ट हमारे एल्बो के वहां पे इस जगह पे एक हमें पॉइंट मिलता है जो कि काफी दर्द देता है, बस उस पॉइंट को भी हमें इस तरीके से प्रेस करना है। इसी से रिलेटेड शोल्डर और एल्बो के एग्जैक्ट मिडल में ये पॉइंट मिलता है, ये काफी दर्द करता है। इस पॉइंट को भी आप दिन में 3 बार 4 बार जब भी आपको वक्त हो तभी आप प्रेस कर सकते हो। इसे जो भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ इसे दोनों हाथों पे आपको करना है।
एक दो तीन मिनट तक आपको यहाँ पे मसाज करना है। इसके साथ साथ हमारे बगल वाले हिस्से में जहाँ के हमें ऐसे हाथ लगा के देखना है और जो हिस्से में हमें ज्यादा दर्द महसूस हो उसे भी हमें इस तरीके से प्रेस करना है। ये काफी अच्छे पॉइंट है जो नेक पेन के लिए या आगे होने वाले फ्रोजन शोल्डर से बचने के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। इसके बाद हमें सबको पता है कि हमारी बॉडी पूरी स्पाइन पे डिपेंड है। अगर हमारे स्पाइन को कुछ भी तकलीफ होती है तो एक तो हमारे ऊपर के हिस्से को दर्द देती है, नहीं तो नीचे के हिस्से को। ऊपर के हिस्से को दर्द देना मतलब ही नेक पेन, शोल्डर पेन या सर्वाइकल की शुरुआत। इससे राहत पाने के लिए सबसे अच्छा पॉइंट है जिसे हम एक्यूप्रेशर GB21 के नाम से जानते हैं। इसे भी हमें इस तरीके से, ये पॉइंट आता है बैक साइड में शोल्डर के पीछे, इसे इस तरीके से प्रेस करना है। और इसके साथ साथ हम लोग स्पाइन को भी थोड़ा प्रेशराइज करते हैं तो डे टू डे लाइफ में होने वाले नेक पेन से हम लोग बच सकते हैं। इसके साथ साथ सिर्फ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स नहीं, हमें योगा, स्ट्रेचिंग के जो भी एक्सरसाइज है वो भी करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो मच स्वीटी जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए और ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आजकल देखी जा रही है। स्वीटी जी, आपसे खाली एक चीज कंफर्म करना चाहूंगी कि जो भी पॉइंट्स आपने बताए हैं ये फ्रोजन शोल्डर के लिए भी इतने ही कारगर हैं? हाँ, फ्रोजन शोल्डर के लिए भी ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। दोस्तों, मैं पूरा विश्वास है स्वीटी जी द्वारा बताए गए पॉइंट्स का आप सही ढंग से उपयोग करेंगे तो आपको जरूर रिलीफ मिलेगी। दोस्तों, हम इसी तरीके से नए नए इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे और इसी तरीके से नए नए लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, हम फिर मिलते हैं।